नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एंटरप्रीनर सोशल एक्टिविस्ट और चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड एंड गेलोपिया फार्मा आई एम प्राउड फादर ऑफ ऑफ टू सन हस्बैंड लवली मैं बिहार की एक छोटी सी जगह सिवान में वर्क करता हूँ और वहीं पे पिछले पंद्रह साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ और आज मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको बहुत दिनों से घुटने में तकलीफ रहती है बहुत दिन से कष्ट रहता है आपको बहुत दर्द रहता है आपको चलने फिरने में दर्द होता है रोजमर्रा के कार्य करने में दिक्कत होता है सीढ़ी चढ़ने उतरने में बाथरूम जाने में दिक्कत होता है आप इस दर्द के कारण स्थिति ऐसे हो गई है कि आप अपने पूरे परिवार पे एक डिपेंडेंट हो गए हैं आप बिना किसी के सहारा के बिना किसी सहयोग के आप अपने रोजमर्रा के काम जो जरूरी काम जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता वो नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा वीडियो अंत तक सुनिएगा और इससे जुड़िएगा आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाला है और ये वीडियो ये ऑडियो जो आपको जो पॉडकास्ट में आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक तरह से समझिए कि एक से डेढ़ घंटे का आपकी बीमारी के लिए एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है फेस टू फेस आपको एक डॉक्टर की सलाह है अगर आप इस पॉडकास्ट के दिए हुए बातों को सचमुच सही ढंग से उसको मानेंगे तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आपके घुटने में कितनी भी तकलीफ हो आपने कितने भी ज्यादा डॉक्टर्स को दिखा लिया हो कितने भी डॉक्टर्स से आपने सलाह ले लिया हो आपको अब तकलीफ में आराम नहीं होता हो आप दवा खा खा के दवाई का डोज खा खा के आपको दवाई का साइड इफेक्ट होने लगा हो दवा आप इस तरह से खा रहे हो कि जैसे भूजा खा रहे हो और इद, क्योंकि दर्द की दवाई अधिकतर समय इसमें दर्द की ही दवाई देते हैं दर्द की दवाई खा खा के अब ऐसा किडनी में डैमेज होने का लक्षण आ रहा है आपको हार्ट में दिक्कत लग रहा है आपको न, शरीर फूल रहा है डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब आपकी दवा के साइड इफेक्ट हो रहा है दवा आप कम करिए लेकिन बिना दर्द की दवाई का आपका काम ही नहीं चलता आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं आप बिल्कुल दवा पे एक तरह से आश्रित हो चुके हैं डॉक्टर आपको ये भी बता रहे हैं कि आपका घुटना बहुत खराब हो गया है और इस घुटने को बदलना पड़ेगा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और बिना ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की आपकी तकलीफ ठीक नहीं होगी तो मैं इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कैसे छ हफ्ते में अगर आप हमारे जैसे बता रहे हैं हम आपको पूरा इसमें पूरा रिजीम हम आपको बताएंगे जिसको आप उसका उसका अनुसरण करके उसका पालन करके आपकी तकलीफ केवल कम ही नहीं हो जाएगी बल्कि अगर आपको घुटने का रिप्लेसमेंट किसी डॉक्टर ने बताया है तो मैं आपको 99% परसेंट अगर आप हमारी चीजों को फॉलो किए सचमुच तो आपको घुटना रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी केवल यही नहीं आपकी दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना कम हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं आपको दवाई बहुत कम खानी पड़ेगी और खानी भी पड़ेगी तो इतना जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो कब दवाई खाना है कब नहीं खाना है इस सभी चीजों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको एक ऐसी जिंदगी जी सके जिसमें आपको घुटने में कोई तकलीफ नहीं है आप आराम से बाहर निकल सकते हैं सीढ़ी चढ़ सकते हैं आप इनफैक्ट अपने पोता पोतियों के साथ घूमने जा सकते हैं बाग बगीचे में थोड़ा खेल सकते हैं इनफैक्ट जो ओल्ड एज को आप इंजॉय कर सकते हैं बिलीव मी इस इस पूरे पॉडकास्ट को सुनिएगा क्योंकि इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है एक्चुअली लोग को बहुत कुछ अच्छा केवल सुनने से ही नहीं फर्क पड़ेगा इसको सुनने से केवल नहीं होगा आप मैं जो चीजें बताऊंगा उसको अमल भी करना है जानने से कुछ नहीं होता है दुनिया में बहुत लोग बहुत कोई जानता है लेकिन जानने से उसको अमल में लाइएगा उसको इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में आपकी जीवन जरूर बदलेगी और इस पूरे पोस्टकास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जाऊंगा मैं दस चीजें आपको बताऊंगा एक तो पहला चीज की ये घुटने की आपकी तकलीफ है ये है क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या दूसरा चीज इसके क्या लक्षण होते हैं क्या यही लक्षण आपके हैं उसमें क्या आपको तकलीफ होगी उस उसमें क्या आपके उसके बीमारी के लक्षण होंगे कैसे समझ में आएगा कि आपको सचमुच ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया है तीसरा चीज की इसमें आराम कैसे मिलेगा इसका इसका इलाज क्या है ये जो तकलीफ है इसका इलाज क्या है इसके बारे में बताऊंगा तीसरा चीज चौथा चीज कि दर्द की दवाइयां दर्द की दवाइया कब खाना कौन सा खाना कितना खाना खाना कि नहीं खाना इसके बारे में चौथा बताऊंगा पांचवा चीज की एक्सरसाइज एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट है इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना चाहिए तो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज से वजन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारा शरीर कितना भारी है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम कैसे अगर सचमुच वजन ज्यादा होने से हमारे घुटने की तकलीफ ज्यादा होती है और हमारा वजन ज्यादा है तो हम अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे हमें अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करना पड़ेगा हमको क्या करना होगा हमको क्या नहीं करना होगा हमको क्या खाना होगा क्या नहीं खाना होगा इसके बारे में बताएंगे अगर आप चल नहीं पा रहे हैं आप बिना किसी के सहारा के बिन आप बिल्कुल दूसरे पे आश्रित हो गए हैं अपने बेटा पे पतो पे या अपने बेटी पे किसी या किसी इंसान पे कोई आपका केयर टेकर है कोई आपके घर में नौकर है उसके ऊपर कोई नहीं चाहता दुनिया में किसी पे डिपेंडेंट होना जी और भगवान ना करे कि कभी किसी को डिपेंडेंट होना पड़े तो आप कैसे बिना किसी पे डिपेंडेंट रहे वॉकिंग एड की मदद से और कौन सी एड हमको यूज करना जिससे हम बिना क्योंकि देखिए एक आदमी पे डिपेंड होना ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक आप सामान पे डिपेंड रह सकते हैं हम अगर आदमी की जगह पे कोई सजीव जगह पे निर्जीव चीज आपको पकड़ा दें तो निर्जीव चीज ज्यादा रिलायबल है निर्जीव चीज नहीं थकता है निर्जीव चीज नहीं चिड़ है निर्जीव चीज को पेन नहीं होता है तो एक वॉकिंग एड जो चलने के लिए हम आपको क्या सहायता दे सकते हैं ताकि उस सहायता से आप चल चल सकें क्योंकि आदमी जब तक तक रहा है तब तक वो जिंदा है मेरा ऐसा मानना है जब वो आदमी चल नहीं पा रहा है वो इनफैक्ट किसी ना किसी तरह से जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो ये गलत सिचुएशन है और हम कैसे अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो वॉकिंग एड के मदद से हम आपको बिना किसी के किसी इंसान के ऊपर आश्रित हुए हम ये कर सके वो बताएंगे हम वॉकिंग एड के बारे में आठवां बताएंगे नौवा बताएंगे नी रिप्लेसमेंट एवॉय कैसे कर सकते हैं बहुत लोगों को डॉक्टर ने बता दिया होगा कि नहीं आपको घुटना बदलना पड़ेगा आपका घुटना इसका परमानेंट इलाज यही है कि घुटना बदलना पड़ेगा और आप सबको मालूम है कि घुटने बदलने का कॉस्ट कितना है हमारे देश में जबकि यहाँ पे हम लोग के देश में कॉस्ट सस्ता है तब भी एक घुटना बदलने का अधिकतर समय तो दोनों घुटने में तकलीफ रहती है लेकिन किसी किसी को एक में ही रहता है एक घुटने बदलने का एवरेज कॉस्ट दो से ढाई लाख रुपया है दो से ढाई लाख सभी लोगों के पास नहीं रहता है और बात केवल पैसे की नहीं है एक्चुअली घुटना रिप्लेसमेंट भी हंड्रेड इलाज नहीं है सौ आदमी का घुटना बदलेंगे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंटर में भी सौ आदमी का घुटना बदला जाए तो दस से पंद्रह आद, आदमी को कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ऐसी तकलीफ जिससे उनकी तकलीफ पहले से भी ज्यादा हो जाए चाहे फिर से ऑपरेशन करना पड़े तो हम एक जो नवा चीज आपको बताने कैसे आप नी रिप्लेसमेंट को कर सकते हैं और लास्ट में एक चीज माइंडसेट सभी बीमारियों का जो जड़ है ना वो दिमाग में है और दिमाग में अगर आपके पास कचड़ा है ना तो सब कचरा रहेगा अगर हम कैसे आपके दिमाग के कचड़े को हम ठीक करेंगे इसको भी हम दस दसवें अध्याय में हम आपको बताएंगे और सिलसिलवार ढंग से बताएंगे और लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं दो हमारे जो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम भी होगा कि हम दो लोगों की कहानियां नाम हम लोग बदल दिए हैं दो मरीज की ये कहानी है एक मरीज है मिस्टर राम जिनके घुटने में तक और ये रियल ये है केवल हमने नाम चेंज किया हुआ है क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी नहीं सेम रख सकते हैं मिस्टर राम का हुआ क्या कि उनको दोनों घुटने में पुलिस इंस्पेक्टर थे बाद में रिटायर हो गए दोनों घुटने में उनको तकलीफ थी घुटना टेढ़ा हो गया था और उन्होंने एक घुटने का ऑपरेशन कराया और वजह नहीं कोई गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कराया और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में कराया और नी रिप्लेसमेंट कराया कराया अभी कराने के बाद से ही दस पंद्रह दिन के बाद से उसमें इंफेक्शन हो गया घाव हो गया दो तीन महीना बाद उसको जो भी इम्प्लांट लगा था उसको निकालना पड़ा फिर से उसके जगह पे सीमेंट का स्पेसर उसमें डालना पड़ा उस, तो ये दूसरा ऑपरेशन हो गया पहला ऑपरेशन तो इसका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हुआ उसके बाद से उसमें इंफेक्शन हो गया फिर तीन महीने बाद उसको निकाल के क्योंकि इसमें से इतना पस आ रहा था निकाल के सर सफाई करके उसका ज्वाइंट का जो भी ज्वाइंट डाले थे उसको निकाल दिए और पूरा ज्वाइंट को क्लीन करके साफ करके उसके जगह पे स्पेसर के रूप में सीमेंट डाल दिए ये दूसरा ऑपरेशन हुआ कुछ दिन बाद लगभग ये तीन चार महीने पांच महीने तक रहा उसके बाद से लगभग सातवें आठवें महीने में फिर तीसरी ऑपरेशन हुए तीसरा ऑपरेशन करके फिर से वो स्पेसर निकाल के फिर से नया ज्वाइंट डाले और ये डालने के बाद से मरीज अभी हमारे फॉलोअप में है उसका ऑपरेशन होके तीन चार साल हो गए उसके बाद से फिर से इन्फेक्शन हो गया और वहां पे घाव बन गया और वहां से हमेशा पस आ रहा है दर्द भी है पस भी आ रहा है और आप इमेजिन कर सकते हैं इस बीच में उनका कितना खर्चा हुआ है इस बीच में इनका खर्चा हुआ है आठ से साढ़े आठ लाख रुपया और ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है सपोज करिए कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो क्या होगा और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ रहता तो ये कॉस्ट कितना हुआ रहा एक वही दूसरे एक मरीज हैं हमारे उनका भी मैंने नाम चेंज किया हुआ है मिस्टर श्याम जिनको उसी तरह से घुटने की तकलीफ है उनका घुटने में भी दर्द है और उनकी घुटने भी उसी तरह से टेढ़े हैं लेकिन वो अपने केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फिजियोथेरेपी कुछ जब जरूरत है तो पेन किलर का इस्तेमाल करके अपने वजन को मैनेज करके कुछ वॉकिंग एड लेके वो उनसे बेहतर कंडीशन में आज हैं एज ए क्वालिटी ऑफ लाइफ ये दो मरीजों की कहानी है और ये कहानी मैं इसलिए शेयर करता हूं, कर, कर, रहा क्योंकि ये हमारे रियल, स्टोरी है, रियल की स्टोरी है और इस तरह से स्टोरी तो देखिए हमारे पास सौ से ज्यादा स्टोरी है लेकिन हम सभी स्टोरीज नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ये जो हमारा पॉडकास्ट का मकसद स्टोरी बताना नहीं है लेकिन स्टोरी दिमाग में बैठता है इसलिए मैंने बताया क्योंकि स्टोरी से आदमी अपने आप को कोरिलेट कर सकता है तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मिस्टर राम की जिंदगी चाहिए या मिस्टर श्याम की जिंदगी चाहिए और इसी कड़ी में मैं शुरू करता हूं जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दस चीजें बताऊंगा उसमें पहला अध्याय कि ये घुटने की तकलीफ जो पचास बरस की उम्र के बाद होती है जिसको हम लोग ऑस्ट्रियोर्थराइटिस कहते हैं ये है क्या पहला चैप्टर यही है कि ये बीमारी है क्या

पतली सी लेयर रहती है, पतला है पतला सा एक सॉफ्ट रहता जिसको कार्टिलेज बोलते हैं आ, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और कार्टिलेज ही जो ज्वाइंट का जो लेयर कहते हैं जहां से एक ज्वाइंट दूसरे से जुड़ा रहता है वो कार्टिलेज से ही जुड़ा रहता है और दोनों कार्टिलेज के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको ज्वाइंट स्पेस बोलते हैं और जहां से जहां पे मूवमेंट होने से कोई भी ज्वाइंट खासकर के मैं घुटने की बात कर रहा हूं तो घुटना मुड़ता है सीधा होता है मुड़ता है सीधा होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझाने के लिए बताएं जैसे गाड़ी का चक्का यूज करते-करते घिस -करते जाता है हमारा घुटना भी हमारे शरीर का चक्का है जी जैसे चक्का गाड़ी का चक्का रहता है यूज करते करते घिस जाता है वैसे ही घुटना का जो ज्वाइंट है बार बार इसको यूज करते 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 जो ये नरम चीज बोन के ऊपर जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं वो भी घिस जाता है वो भी डैमेज होता है वो भी घिस घिस के पतला हो जाता है और इसी के कारण से जब वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो ऑस्ट्रियोर्थराइटिस को बोलते हैं और कार्टिलेज का कुछ यूनिक चीज है शरीर में दो तीन ऐसी चीजें हैं जो एक बार डैमेज हो गई तो फिर से नहीं बनती जिसमें एक हमारा ब्रेन का टिश्यू है जो एक बार मर गया तो फिर से नहीं आता इसलिए आदमी एक बार मर गया ना तो फिर जिंदा नहीं होता क्योंकि डेथ में जब मरने में ब्रेन ही मर जाता है हो सकता है कितना बार देखे होंगे कितना लोग की उंगलियां चलती है लोग बोलते हैं उंगली चल रहा है उंगली चलने से कुछ नहीं अगर आपका दिमाग मर गया दिमाग का कर, काम करना बंद हो गया आदमी मर गया ठीक तो एक ये चीज है कि आपका ब्रेन और दूसरा एक चीज है कार्टिलेज कार्टिलेज वही जो ज्वाइंट के ऊपर जो परत रहती है वो और ये क्यों डैमेज हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वियर एंड के कारण से यूज करते करते क्योंकि बचपन से अभी तक आप यूज कर रहे हैं किस तरह से यूज किए हैं आपको भी मालूम होगा कि अपने अपने घुटने के साथ क्या क्या किया है जी किस तरह से आपने यूज किया है मिस यूज किया है कि अब किया है अब उसको यूज करते 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 घिस गया ओल्ड एज में अधिकतर समय पचास बरस के ज्यादा उम्र में जिसका शरीर बहुत भारी है तो उसको ज्यादा जोर पड़ने से जल्दी भी हो जाता है जल्दी भी घिस जाता है कितना लोगों को चोट लगने से भी घिसता है लेकिन वो ऑस्ट्रोअर्थराइटिस नहीं है जो वियर एंड टीयर से यूज होते होते जो घिसा वही ऑस्ट्रियराइटिस है और इसमें लक्षण क्या होंगे तो आपको दर्द होगा उसके मूवमेंट में दर्द होगा ज्वाइंट में दर्द होगा खास करके जब उस पर जोर पड़ता है जैसे सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होगा नीचे बैठने उठने में बाथरूम में टॉयलेट में जाने में दर्द होगा दौड़ने में दर्द होगा कूदने में दर्द हो सकता है उसमें से कुड़ कुड़ की आवाज आना पुट पुट की आवाज जो बुरादेट जो, जो के अंदर आते हैं और जब ज्वाइंट मूवमेंट करता है तो वो, कुड़ -कुड़ वो चाहे बहुत ही फाइन कोरस मूवमेंट जब आप खास करके कितना बार तो सुनाई भी देता है कितना बार आप अपना हाथ घुटने पे रखेंगे और घुटना को मूवमेंट करेंगे तो उस वक्त आपको फील होगा उंगलियों पे आपके हाथ पे कि कोई चीज आवाज आ रही है ज्वाइंट में तो ये ये इसके लक्षण है एक्सरे जब हम करेंगे एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में हमको दिखता कि जो ज्वाइंट का स्पेस है जगह है जो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी के बीच में जो जो गैप है वो कम होता हुआ दिखता है। और कितना बार ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी बिल्कुल सट जाती है ऐसा दिखाई देता कभी कभी वो जो टुकड़े हैं वो भी दिखाई देते जो ऑस्टियोफाइट्स के रूप में दिखाई देते हैं तो ये इसके लक्षण रहते हैं तो मैंने अभी तक दो चीजें बताई कि ये दर्द जो ओल्ड एज में ऑस्टि के कारण से होता है वो क्या है और क्यों होता है और दूसरा बताया कि इसका लक्षण क्या रहता है लक्षण में आपको क्या लक्षण आएगा टेस्ट करने पे क्या मिलेगा टेस्ट करने पे आपको कुड़कुड़ -कुड़ की आवाज मिलेगी और आपका घुटना पूरा सीधा मुड़ने में भी दिक्कत हो सकती है कितना बार घुटना टेढ़ा भी रह सकता है और एक्सरे में क्या मिलेगा ये भी मैंने आपको बताया तीसरा चीज मैंने बोला था कि इसका फिर इलाज क्या है एक बार घुटना आपका डैमेज हो गया तो इसका इलाज क्या है जो भी एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया का इलाज क्या है तो अभी हमने बताया कि का जो एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया तो कार्टिलेज फिर से नहीं बनेगा वो ठीक नहीं होता जो एक बार डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया लेकिन इसमें आपको बहुत डरने की जरूरत भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज डैमेज हो गया तो अभी ठीक ही नहीं होगा इसकी काटली जो डैमेज हो गया है वो नहीं ठीक होगा लेकिन आपकी तकलीफ ठीक हो सकती है हंड्रेड परसेंट ठीक हो सकती है और मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं और उस बेसिस पे बोल बोल रहा रहा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं इसलिए जैसे प्रचार कर रहे हैं चाहे डॉक्टर ऑर्थो वायल वाला कुछ भी बोल रहे हैं ये मैं इस साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत कोई बातें कोई चीजें बता रहा हूं फैक्ट ये, ये है कि अगर ये तक ये जो जो डैमेज हो गया वो तो फिर से नॉर्मल नहीं हो जाएगा लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपकी तकलीफ हंड्रेड परसेंट ठीक रह सकती है हंड्रेड परसेंट ठीक रह सकती है और इलाज इसका दो ही है एक बार आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया तो दो ही इलाज है या तो वो ज्वाइंट बदल दीजिए यानी कि जो खराब हो गया है घुटना उसको बदल दीजिए या फिर उसको बचा के रखिए मोटा मोटी समझाने के लिए हम बताएं तो आपकी गाड़ी का चक्का खराब हो गया है गाड़ी का चक्का घिस गया है इसका दो ही उपाय है या तो चक्का बदल दीजिए नया चक्का लेके आइए जिस बदलने का हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट या दूसरा उपाय है कि अब 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 चक्का खराब हो गया है अब इसको बचा के रखिए पहले जैसा आप लोड नहीं दे सकते हैं इस पर अब इसको जितना कम से कम यूज करें नहीं तो पता चलेगा कि आप ध्यान नहीं देंगे एक दिन चक्का निकल जाएगा आप इस पे जोड़ तो अब इसको बचा के रखना तो बचा के कैसे रखना इसके लिए हम बताएंगे अगर वजन अपना कम करिए नीचे बैठना उठना बचाइए जितना बचा सकते हैं अगर आप बाथरूम के लिए टॉयलेट के लिए कमोड़ यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करिए सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए सीढ़ी चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है इस इसके बारे में हम आपको बताएंगे यानी कि इसमें मोटा मोटी जोड़ कम पड़े ये ध्यान दीजिए क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली जब हम लोग ऐसे नॉर्मली हम बैठे हुए हैं इस तरह से तो अगर एक रुपया वजन पड़ रहा है घुटना में हम बैठे हुए हैं तब भी कुछ वजन पड़ रहा है इसीलिए कभी कभी ऐसा रहता है कि आप सोए भी हैं लेटे भी हैं तब भी कष्ट होता है क्योंकि उस वक्त भी जोड़ पड़ रहा है वो जोड़ तो बिल्कुल खत्म नहीं लेकिन जैसे ही आप खड़ा होते हैं अगर बैठने में आपको एक रुपया वजन पड़ रहा है जैसे ही खड़ा होते हैं तो वो वजन पड़ता है दो रुपया जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते उतरते वो वजन हो जाता है छ रुपया और जैसे ही आप बाथरूम में बैठते जैसे चुक्का मुक्का पलथी मार के बैठते हैं जैसे हम बाथरूम के लिए या पूजा करने के लिए नमाज करने बैठने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त वजन पड़ता है चौदह पैसा यानी चौदह गुना मैंने चौदह पैसा यानी कि लगभग सात गुना जितना आप खड़ा होने के लिए जितना आपको जोड़ पड़ेगा ना उससे सात गुना ज्यादा जोर पड़ता है जब आप बाथरूम के लिए बैठते हैं तो, तो इनफैक्ट अगर बाथरूम के लिए अगर बैठना आप बचा दें तो आप ज्यादा दिन तक खड़ा रह सकते हैं तो इनफैक्ट ये बचाने वाली बात है कि, तो दो चीजें मैंने तीसरा चीज मैंने बताया इसका ट्रीटमेंट क्या है तो ट्रीटमेंट इसका दो ही है या तो बहुत ज्यादा घुटना खराब हो गया है तो उसको बदल दें या फिर उस घुटना को जो भी है उसको बचाएं ताकि वो और खराब ना हो और साथ में साथ उस पर जोड़ कम पड़े तो कष्ट भी आपको कम हो क्योंकि उस पर जोड़ पड़ेगा तभी कष्ट होगा एक्चुअली कार्टिलेज जो एक चीज और भी है है ना कि कार्टिलेज वो जो रहता है तो क्यों नहीं दर्द होता है क्योंकि कार्टिलेज में कोई नर्व फाइबर्स नहीं है उसको दर्द नहीं महसूस होता लेकिन जैसे ही कार्टिलेज हटता है उसके नीचे जस्ट हड्डी आ जाता है और हड्डी बहुत सेंसिटिव होता है हड्डी हड्डी से टुकड़ा तो वहां पे नर्व्स के एंडिंग्स हैं उसको दर्द होता है उसको कष्ट होता है और उस पर जब रगड़ खाएगा तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है दो ट्रीटमेंट है या तो उसको बचाइए या उसको बदलिए यही दो उपाय है बचाइए कैसे बदलिए कैसे बदलिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करके वो अलग अलग ये है लेकिन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आज अगर देखे जाए तो पूरा मैनकाइंड में ये सौ साल का हिस्ट्री ही है जब से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्या इसके पहले घुटने की तकलीफ ठीक नहीं होती थी उसके पहले भी ठीक होती थी और बिल्कुल ठीक होती थी और आज भी ठीक होती है लेकिन वो आपको बचाने का चीज सीखना पड़ेगा एक्चुअली क्या है ना ऑपरेशन कौन करता डॉक्टर करते दवाई कौन लिखता डॉक्टर लिखते और मरीज को भी वो आसान है आप किसी को बताइए ना कि ये, ये खाना है ये नहीं करना है वो नहीं करना अधिकतर लोगों को पसंद नहीं है जी क्लिनिक में हम लोग बैठ के सिखाते हैं ना कि ये करना है ये नहीं करना उसको नहीं वो बोलिए दवाई लिखिए ना डॉक्टर साहब और दूसरा एक और भी रीजन रहता है कि कितनी बार एलोपैथी डॉक्टर क्योंकि इतना बिजी प्रैक्टिस रहता है ना मैं आपसे आपके साथ अभी

आपसे बोलना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी बीमारी भी डॉक्टर की औकात नहीं है ठीक कर देना अगर आप अपने आप से अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देंगे ना तो दुनिया में कोई भी आपकी बीमारी भी डॉक्टर की औकात नहीं है जी आपकी बीमारी कोई ठीक करने की आपका अगर आहार बिहार आचार व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी कोई बीमारी वो तो तत्कालिक थोड़ा हो सकता है कि हम आपको दवाई दे दें आपको राहत मिल जाए लेकिन आपका अल्टीमेटली आपके रहन जिसको बोलते हैं जिसको आपका स्वभाव आपका आपका रहन सहन का तरीका आपका खान पान का तरीका इसको नहीं सुधारियेगा ना तो आपकी तकलीफ कभी ठीक नहीं होने वाली और जब ये बातें हम लोग बताते हैं ना मरीज इस चीज को नहीं सुनना चाहता लोग अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहता है और अगर आप भी लगता है कि आप अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा आगे का पॉडकास्ट मत सुनिए अगर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो शायद आपको आपको कड़वा लगेगा और जिसमें मेहनत करना पड़ेगा मैं तो बता सकता हूं, लेकिन करना तो को हो गया है कि मैंने वो थैंक यू डॉक्टर से हुआ है क्योंकि आपको जान के ताजुब होगा कि भारत जैसा देश जो एक गरीब देश ही माना जाएगा बहुत हम लोग आज हम लोग प्रगति कर रहे हैं देश दुनिया में अपनी नाम बना रहे हैं इकोनॉमी के रूप में हम लोग विस्तृत हो रहे हैं लेकिन हम लोग एक गरीब मुल्क गरीब लोगों का देश है और यहाँ पर ईयर कितने टोटल नी रिप्लेसमेंट कितने घुटने बदले जाते हैं कैन यू इमेजिन कोई गेस आपका कि कितना साल भर में कितने घुटने बदले जाते हैं मैं भी अभी नया ही देखा और मुझे ताजुब हुआ बारह लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं पर साल भारत में केवल भारत में पूरे दुनिया में साठ लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं भारत में केवल बारह लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं और एक घुटना बदलने का एवरेज कॉस्ट से ढाई लाख रुपया है कहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा हल्का कहीं कम हो सकता है कम ज्यादा नहीं होता लेकिन अधिकतर समय ज्यादा ही होता है क्योंकि अब कैसे जगह पे आप करा रहे हैं कौन से आप फाइव स्टार होटल में कराइएगा तो जितना बड़ा हॉस्पिटल है वो पैसा लेगा उसका भी कॉस्ट है इलाज इलाज दो ही है मैं जो बता रहा था मैं फिर से मुद्दे में से थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूं क्योंकि जब भी मैं बातें करता हूं किसी से तो मैं भी थोड़ा सा भावना वाला आदमी हूं भावनाओं में भाग जाता हूं तो इलाज दो ही है या तो बचाइए नहीं तो बदलिए और बचाना आपको पड़ेगा बताऊंगा मैं कि कैसे बचेगा लेकिन करना पड़ेगा मेहनत आपको सारे मरीज बोलते हैं हैं सर हम बचाने के लिए तैयार आप जो बोलिए एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारा दर्द तो राहत मिले बात सही है चौथा चीज उसी पे मैं मैं फोकस करने वाला हूं कि आपकी दर्द कैसे कम हो क्योंकि शुरू शुरू में जब आपकी कष्ट बहुत ज्यादा है हम आपको जिसे एक भूखे पेट भजन नहीं होता है आपको कितना कष्ट जब पीड़ा में रहेंगे हम आपको बोलेंगे एक्सरसाइज मारने के लिए दौड़ता डॉक्टर को कि बेवकूफ डॉक्टर है हम इतना पीड़ा में है है ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज करिए ये बोलता है कि चलिए ये ये बोल रहा है कि ये ये करिए पहले हमारा दर्द तो ठीक कर बात सही है भाई ये हमारा प्राइमरी है कि दर्द को ठीक करना लेकिन एक चीज को आपको भी समझना है कि दर्द की दवाई जो भी हम लोग खाते हैं हम अज, अधिकतर समय जो आपको दवा मिलती है ना जब भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे वो दर्द की ही दवाई होती है वो एक या दूसरे रूप में दर्द की ही दवाई होती है कोई एक ही एक ही दवाया दस हजार कंपनी है सब अलग अलग नाम से बनाती है और दर्द की दवाई भी चालीस पचास तरह की है तो उसमें से बदल बदल के सभी लोग अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिख के देते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली रहती है दर्द की ही दवाई दर्द की दवाई से एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दर्द की दवाई से आपका दर्द जरूर ठीक हो जाएगा आपका कष्ट जरूर ठीक हो जाएगा लेकिन आपकी बीमारी नहीं ठीक होती आपकी बीमारी क्या थी, है कि कार्टिलेज आपका डैमेज हो गया पहले ही बताया वो ठीक होने वाला चीज ही नहीं है लेकिन उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन देखिए दर्द भी ठीक होना बहुत जरूरी होता है कोई कष्ट में है ना जब हमने बहुत बार मरीज लोगों को देखा है जिनको बहुत कष्ट रहता है उनका किडनी डैमेज हो गया है उसको भी मालूम है कि दर्द की दवाई खा खा के किडनी डैमेज हो गया है हम लोग बोलते हैं कि मत खाइए दर्द की दवाई लेकिन फिर भी कहता है कि सर दर्द बर्दाश्त जियेगे तब मैंने दर्द के कारण मर जाने से अच्छा है कि दर्द की दवाई खा के और किडनी फेल होने से मर जाए और ऐसा बहुत सारा मरीज को मैंने देखा है आप क्या मालूम आप लोग के उस, मेरे इस बातों से कितना ए, कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं तो दर्द की दवाई का भी अपना इंपॉर्टेंस है दो तरह के लोग हम लोग को मिलते हैं दो तरह का इंसान इसमें हम लोग को मिलता है जब हम लोग घुटने के तकलीफ का इलाज करते हैं तो दो तरह के मरीज मिलते हैं एक मरीज रहता है जो बहुत ही अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है बहुत तेज वो दर्द की दवाई नहीं खाएगा कहेगा डॉक्टर साहब हम दर्द की दवाई नहीं खाना हमको दूसरा अरे भाई हमारे पास दूसरा दवाई नहीं हम देंगे कहाँ से तुमको और बहुत सारे आप देखेंगे टीवी पे रेडियो पे जैकी श्राफ को हमने देखा कि ऐड देते हुए तो इन लोग ये मैंने ऐसा आयुर्वेदिक दवाई ये दवा ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है इनफैक्ट बात तो ये है कि ये ठीक होती ही नहीं और हर कंपनी जो भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है हर तीन चार साल पे एक नया दवाई लेके आती है कहती है कि इससे ठीक होता है 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 ये रामबाण आ आ गया है, आ गया है। इस, इसको खाएे, इसको खाइए खाइए और वो दवाई खूब महंगी आती है लोग डॉक्टर्स को भी वो, वो लोग ये करते हैं पुश करते हैं और देखिए जब जो लोग बड़े रहते हैं वो हर तरह से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं या आप भी समझते हैं मरीज को भी मैनिपुलेट करते हैं पूरा मार्केट में खाइप क्रिएट किया जाता है कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है और चार पांच साल वो दवाई चलती है फिर उसका रिसर्च तब और ये साइकिल चलते रहता है बेवकूफ़ बनाने वाला साइकिल लेकिन ये बात को समझना है कि दवाई एक गो है वो दर्द की दवाई और दर्द की दवाई से दर्द रिलीफ होगा बीमारी नहीं रिलीफ होगा लेकिन फिर भी दर्द की दवाई खाना पड़ता है क्योंकि दर्द को भी आराम मिलना जरूरी है भाई जो कष्ट में रहता है पीड़ा में रहता है उससे पूछिए और बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है जब कष्ट है तो दर्द की दवाई खाने में कोई नुकसान नहीं होता है दर्द की दवाई कब खाना कितना खाना खाना कि नहीं खाना कब नहीं खाना किडनी की तकलीफ है तो कौन सी दवाई खाना ये सब मैं बताऊंगा लेकिन आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि दर्द की दवाई बिल्कुल बेकार होती आप दर्द की दवाई अगर आपको कष्ट है और आप पाँच छह दिन के लिए खाते हैं इससे कोई नुकसान नहीं है जी। कोई नुकसान नुकसान नहीं नहीं है है जी लेकिन कितना लोग आदत पड़ जाता है भूंजा की तरह खाते रहते हो उस भूंजा की तरफ एक साल डेढ़ साल वो डॉक्टर नहीं बताते समय डॉक्टर सब जगह बताते हैं कि दर्द की दवाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए लेकिन वो डेढ़ साल दो साल से खाए जा रहे हैं छह महीने से खा रहे हैं और खा लीजिए आप छह महीना से ऊपर आपकी किडनी नहीं फेल हो गया तो मुझे बताइएगा किडनी नहीं फेल हो गया तो मुझे बताइएगा दूसरा एक और तरह के मरीज है जो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं सर हमको का दवाई मत लिखी। हमको कोई दूसरा नहीं, नहीं से तुमको। दवाई रहता तो लिखे लिख तो ऐसा इंटेलेक्चुअल भी बनने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि दर्द की दवाई बिल्कुल बेकार दवाई है अगर इतनी बेकार दवाई रहती तो सरकार बनने का इजाजत ही नहीं देती और कभी बनती भी नहीं वो यूजफुल चीज है आपको पांच दिन छह दिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है और इनफैक्ट क्योंकि ऑस्टिथाइटिस एक ऐसा मरीज बीमारी है कि पूरा ठीक नहीं होता है तो कितना बार फिर से भी खाना पड़ता है तो मैं तो बोलता हूं कि महीने में हफ्ता दिन खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है हफ्ता दिन के लिए महीने में खान एक बार आपको पांच छह दिन लगातार सात दिन खा लिए तकलीफ बहुत कम हो जाती उसके बाद से उस वक्त कम हो गई आप फिजियोथेरेपी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वजन कम करना ये सब चीजों का ध्यान दीजिए क्या करना क्या नहीं करना इसके बाद से आपकी तकलीफ लगभग नाइन्टी परसेंट कम हो जाती उसके बाद से आप दवाई जब बीच बीच में कभी बढ़े तो आप दवाई दर्द की खा लीजिए महीने में एक पत्ता दर्द की दवाई खाने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन उसको भूंजा बना के भी नहीं खाते रहना है और दूसरी तरफ कि ऐसा नहीं कि दवाई ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है कि हमको दर्द की दवाई हम नहीं खाएंगे ऐसा भी नहीं करना है लेकिन अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है चाहे आप दवाई खा खा के आपको किडनी में दिक्कत हो गई तो वैसे समय में अगर ऐसा दिक्कत हो गया है तो वैसे मरीज को ध्यान देना है कि वैसे मरीज को क्या खाना है ट्रामाडोल खाना है दर्द की दवाई दो तरह की होती है एक

ट्रामडोल ले सकते हैं ठीक है ना तो दर्द की दवाई में कौन सा दवाई लेना तो इसमें एसिक्लोपारा का कॉम्बिनेशन जो रहता है एसिक्लो एसिक्लोफेनाइक एंड पारासिटामोल का कॉम्बिनेशन 325 और 500 का ही कॉम्बिनेशन ए फिक्स कॉम्बिनेशन में ही आता है एसिक्लोपारा का कॉम्बिनेशन आप सवे दिशा ले सकते हैं तो ये हमने बताया कि दर्द के लिए आप क्या करें कौन सा पेन किलर लें कितना दिन तक लें अगर किडनी की तकलीफ है तो कौन सा दवाई लें? एक चीज और भी जो बार बार लोग पूछते हैं कि क्या सर कार्टिलेज को रिजेनरेट करने के लिए कोई मेडिसिन है क्या कुछ कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें ग्लूकोसाम है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट्स है और उसमें बहुत सारा मेडिसिन है जो जिसका रोल जो एग्जैक्ट क्या है ना ये डाउटफुल है अभी भी लेकिन ये मेडिसिन बहुत महंगे आते हैं मैं तो अपने मरीज को रेकमेंड नहीं करता हूं लेकिन आप चाहे तो इसको ले सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट है और कितना बार इसका इफेक्ट एक्चुअली बिल्कुल आप मेजर नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे रिसर्च में इसका ये है कि भाई इसका इफेक्ट आता है कितना लोग बोलते हैं कि इसको बहुत सारे स्टडीज में आया है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ये एज ए प्लेसिबो काम करता है

मैंने लोगों को को यूज कर रहे हैं क्योंकि जिसमें संदीप शराब जी का देखा मैंने एक और वो जो एक और जो शायर हैं और जो ये हैं क्या नाम है उनका उनका भी मैंने देखा कि उनका भी बहुत सारा पोस्ट है कि वो पोस्ट क्या मैंने वो एड है कि वो लोगों को दवाई बता रहे हैं तो इस सभी दवाइया प्लेसिबो से कुछ भी ज्यादा नहीं है प्लेसिबो से ज्यादा इसका कोई खास इफेक्ट नहीं रहता है एक चीज और भी लोग पूछते हैं कि अगर घर पे हैं और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई तो हम बोले ऐसी क्लोपारा आप ले सकते हैं कुछ एक्सरसाइज भी है जिसको करने से तकलीफ में आपको आराम मिलता है वो कौन सा एक्सरसाइज तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से रिलीफ मिलता है और एक घरेलू नुकसान के बारे में हम लोग जो बताते हैं कि अगर आपको कष्ट बहुत ज्यादा है घर पे हैं कोई नहीं है तो एक चीज है फॉर्मूला राइस आर आई सी ई राइस मैंने आर से रेस्ट आई से आई से आइस आइस लगाना बर्फ से सेक करना बर्फ लगाना आई आर आई सी सी से कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन मैंने बांधना गर्म पट्टी से बांध सकते हैं जो ये गुलाबी करल बैंडेज रहता है उससे बांध सकते हैं अब दुपट्टा रहता है रहता है उससे बांध सकते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रेशन खूब टाइट भी नहीं बांध देना है लेकिन उसको थोड़ा बांधने से भी कष्ट रिलीफ मिलता है और सीई ई फॉर एलिवेशन थोड़ा सा ऊंचा रखना है जैसे बैठे हैं लड़का के पैर ना रखें बैठे हुए हैं तो स्टूल पे पैर रखें बिछा तो पे हैं तो तकिया के ऊपर पैर रखें लटकाना नहीं है थोड़ा एलिवेशन करके रखने से भी ये राइस का जो फॉर्मूला है जो उस घरेलू नुक्सा है इसको बोल सकते हैं जिससे अगर आपको बहुत ज्यादा कष्ट है और घर पे कोई सुविधा नहीं है तो आप ये चीज कर सकते हैं बाकी बहुत सारा चीजें हैं घुटने के दर्द के निवारण के लिए बहुत सारा चीज तो नहीं बता सकता लेकिन मैंने जितना चीज है आपको बता दिया मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको घुटने में बहुत तकलीफ होगी आपको अब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तक बात पहुंच गई होगी लेकिन आज तक आपको ये चीजें ये बहुत बेसिक चीजें हैं आपको नहीं मालूम होगी जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जो हमारा एक मिशन है सेव द मी कैंपेन जिसमें मेरा यही मिशन है कि दुनिया में मुझे वन मिलियन यानी दस लाख लोगों के घुटने बचाने हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट है बिना सर्जरी की बिना सर्जरी के ये मेन मेरा मकसद है तो हमने चार चीजें आपको अभी तक बता चुकी कि ऑस्टोर्थ्राइटिस क्या है ऑस्टोर्थ्राइटिस मैंने ये घुटने की तकलीफ आपको क्यों हो रही है ओल्ड एज में चाहे पचास वर्ष के ज्यादा के उम्र में दूसरा चीज कि इसके क्या लक्षण है तीसरा चीज इसका इलाज क्या है तो इलाज में बताया कि बदलना चाहे बचाना चौथा चीज की दर्द है तो दर्द के लिए हम क्या दवा लें उसका क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है कब लेना कितना लेना ये सब बताया और पांचवा चीज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो मैं आपको बताऊंगा ही कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है किस किस तरह के एक्सरसाइज एक्सरसाइज रहते हैं और से क्या फायदा होता है कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही बता दूंगा लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर रामेश्वर कुमार के नाम से डॉक्टर राम उस पर आप जाइए या हमारा पेज को फॉलो करिए हमारा फेसबुक का पेज को फॉलो करिए आपको बहुत सारा कंटेंट उस पर मिलेगा और इतना कंटेंट मिलेगा कि एक कंटेंट आपको समझिए एक कंसल्टेशन से कम नहीं है एक कंसल्टेशन से से ज्यादा का उसमें कंटेंट नहीं होगा और अभी तक का आपको कंटेंट कैसा लगा क्या आपको आज तक इतना डॉक्टर के पास गए इतना चीजें कभी किसी ने बताया है अब मैं नेक्स्ट चीजें आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताऊंगा फिजियोथेरेपी क्या है मैंने एक्सरसाइज एक तरह से फिजियोथेरेपी मांसपेशियों का एक्सरसाइज करते हैं एक्चुअली घुटने के आजू बाजू में क्या है मांसपेशियां हैं होता क्या है कि घुटने में कष्ट है घुटना कार्टिलेज डैमेज हो गया दर्द है दर्द होने से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप इस घुटने का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं कम करते हैं जो में घर में ही जो बच्चा थोड़ा कमजोर रहता है उसको कम थोड़ा सा भार मैं उसको ये दिया जाता है उसी तरह से घुटना को अपना शरीर एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है एक शरीर का अपना सिस्टम है उस इस घुटना को लगता है बचाने उसको सेव करने लगता है और उस सेव करने के चक्कर में होता क्या है कि जो आदमी काम करेगा जो आदमी मेहनत करेगा वो मजबूत हो जाएगा और जो आदमी काम नहीं करेगा वो क्या होगा वो कमजोर हो जाएगा अब ये घुटने की घुटना काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेहनत कम कर रहा है धीरे धीरे इसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है मांसपेशियां कमजोर होने से क्या होता है क्योंकि हमारे जो शरीर के बैलेंस सिस्टम में सबसे बीच में हड्डी है हड्डी ने पूरा वजन लिया हुआ है उसके आजू बाजू में मांस है मांस मजबूत रहने से कुछ कुछ शरीर का भार है कुछ वजन है ये मांसपेशियों के माध्यम से नीचे उतर जाता है चाहे मांसपेशियां उसका भार कुछ उठा लेती हैं लेकिन अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो दिक्कत क्या होता है कि पूरा भार बोन्स पे पड़ता है और बोन्स के फिर तो क्या पड़ेगा ज्वाइंट पे पड़ेगा कार्टिलेज पे पड़ेगा तो एक तो कार्टिलेज और भी डैमेज भी होगा दूसरा चीज कि क्योंकि पहले से ही डैमेज है तो उस पर प्रेशर पड़ने से और कष्ट भी होता है

छे छः महीना से चला नहीं है चलना तो छोड़ दीजिए लेकिन बहुत सारे कामों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और धीरे धीरे मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई है कोई कोई तो जो जो चला नहीं रहता है वो इतना कमजोर हो गया रहता है कि उसमें सिंपल मूवमेंट करने में भी दिक्कत होती है तो वो फिर उसको आदत दिलाते हैं अब जिस जिसने कुछ आज तक एक एक सर पे वजन नहीं उठाया तो एक एक आप वजन दे दीजिएगा तो टूट जाएगा धीरे 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 उसको उसको स्ट्रेंथनिंग करते एक एक करके थोड़ा लोड देते देते मजबूत बनाते हैं और मजबूत बनाने से बेनिफिट क्या है क्योंकि मांसपेशियां मजबूत होगी तो बोन और कार्टिलेज और ज्वाइंट पे कमजोर पड़ेगा इससे कष्ट कम होगा दूसरा एक्सरसाइज क्या होता है क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द होने से आदमी

मांसपेशियां सब जकड़ गई है एक जगह रखे रखे जकड़ गई है तो स्ट्रेचिंग में क्या उसको लमड़ाना एक तरह से कहिए जब हम कोई मांसपेशियां काम करती है जब वो सुकुड़ती है तब वो कोई ज्वाइंट मुड़ता है लेकिन लमड़ाने में सुकुड़ने की जरूरत नहीं है उसको और तान देना ताकि वो कितना लमड़ रहा है ये देखना क्योंकि एक ही जगह पे रखे रखे मांसपेशियां भी सुकुड़ जाती हैं तो उसको मूवमेंट नॉर्मल आने के लिए क्या जरूरी है कि जो जैसे हमको मान लीजिए घुटना को मोड़ना है तो जो घुटना को मोड़ना है तो अगर वो पूरा नहीं मुड़ रहा है इसमें कारण केवल मोड़ने का मसल्स की ताकत नहीं है जो उसको सीधा करने वाला मसल है ना वो जाम हो गया है और जाम हो जाने के कारण से ना वो मुड़ता नहीं है क्योंकि वो उसका लेंथ ही वो लमड़ ही नहीं पा रहा है

और एडी के बीच वाला जो भाग जिसको पैर बोलते हैं पैर की तरफ अंगूठा को लाने की कोशिश करिए ऊपर ऊपर पंजा करना थोड़ा सा ऐसा करके रखिए तो करिए आप बैठे बिछा पे बैठे हुए हैं चाहे लेटे हुए हैं चाहे पे ही बैठे हुए हैं तो पंजा को अब अंगूठा से कोशिश करिए कि आप आगे आप अपना पैर को पंजा को लेके जाए और अंगूठा से आप बिछा को छूने की कोशिश करिए आप अपने पैर की तरफ नहीं पैर के दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश करिए और ऐसा ही पूरा स्ट्रेच करिए स्ट्रेच करके थोड़ा देर रखिए स्ट्रेच करके थोड़ा देर रखिए और आप देखेंगे ना कि आपको सॉरी सॉरी एक फोन आ गया आ, तो आप स्ट्रेच करिए हाउ आर यू फीलिंग क्या आपकी फीलिंग क्या है आप बताइए ये, ये जो जो मैंने exercise ब, बोला ना कि पंजा को ऊपर करिए ऊपर पूरा करिए जितना कर सकते हैं करके थोड़ा देर रखिए फिर इसको नीचे करिए इसको थोड़ा देर न, 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 होल्ड करके रखना है ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ नहीं देना है इसको थोड़ा देर होल्ड करके रखना है पंजा को ऊपर करके थोड़ा देर रखना है फिर वो पंजा को नीचे करके थोड़ा देर रखना है और इससे बेनिफिट आप देखेंगे कि ये दो मिनट के लिए करने से ना आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होगा घुटने में ये स्ट्रेचिंग का बेनिफिट है ये हम एक हम लोगों ने एक हमने ये करके हमने देखा और शायद हमको लगता है कि आपको ये चीज पसंद आया होगा डेफिनेटली आपको ये चीज पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो सेम ही थैंक यू सेम ही थैंक यू एक्चुअली मेरे फोन में एक फोन आ रहा है बहुत ही अर्जेंट लेकिन अभी मेरे लिए आपसे अर्जेंट कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने फोन को बंद कर दिया है और अभी पूरा मैं लग गया हूं आपके लिए तो हमने आपको एक्सरसाइज ये तीन एक्सरसाइज बताए चौथा एक्सरसाइज जो है एरोबिक एक्सरसाइज एरूबिक एक्सरसाइज क्या मैंने जैसे जैसे चलना वॉकिंग करना जॉगिंग करना इस सब जाके पूरा ओवरऑल बॉडी का केवल घुटना ही नहीं फिट होता है ना कि आपका वजन कम, हो, वजन कम होने से अल्टीमेटली आपके हर तकलीफ में राहत मिलेगी केवल ऐसा नहीं है घुटने के ही तकलीफ में राहत मिलेगी आपको ओवरऑल पूरे बॉडी के फिटनेस में आपको इससे इससे रिलीफ होता है तो एरोबिक एक्सरसाइज भी जिसमें स्विमिंग करना हो गया गल्फ खेलना तो क्या आप कौन कौन सा एक्सरसाइज एरोबिक में कर सकते हैं आप वॉकिंग कर सकते हैं आप जॉगिंग कर सकते हैं अगर पेन नहीं है तो आप रनिंग एवॉइड करना है लेकिन बहुत सारा लोग जिसका थोड़ा सा फिटनेस अच्छा है तो रनिंग भी कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका तकलीफ कितना है लेकिन एक गाइडलाइन हमेशा रखना है कि जो चीज में आपको जो भी एक्सरसाइज जो भी कार्य करने में कष्ट हो रहा है वो एक्सरसाइज नहीं करना शरीर खुद ही बोल रहा है कि भाई ये मत कर लेकिन आप वॉकिंग कर सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं स्विमिंग कर सकते हैं साइकिलिंग भी कर सकते हैं कितना हम लोग के यहाँ मैं बिहार से रहने वाला हूँ तो हम लोग यहाँ के यहाँ हाँ बहुत लोग धनी लोग नहीं है मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं तो अगर आपको एक दो किलोमीटर जाना है ना तो पैदल जाने से अच्छा है कि आप साइकिल से जाइए हमेशा मैं रेकमेंड करता हूं आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं कार पे बैठ के कहीं जा सकते हैं लेकिन हाई कांटेक्ट जो स्पोर्ट्स रहता है जैसे वॉलीबॉल खेलना फुटबॉल खेलना क्रिकेट खेलना दौड़ना ये सब चीजें बचाना चाहिए ये ये चीज, चीज नहीं करना है आप चल सकते हैं ट्रेडमिल पे भी चल सकते हैं कितना लोग बोलते हैं सर हम ट्रेडमिल पे चल सकते हैं क्या बिल्कुल चल सकते हैं आ, कितना लोग बोलते हैं कि सर क्या हम लोग वजन कम करने के लिए सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं क्या नहीं सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करना है तो ये फिजियोथेरेपी के बारे में हमने बताया फिजियोथेरेपी में क्या होता है किस किस तरह के फिजियोथेरेपी होते हैं कौन सा फिजियोथेरेपी से क्या बेनिफिट होता है ये मैंने बताया बहुत डिटेल्स में क्योंकि पॉडकास्ट में बताना बड़ा मुश्किल है तो मैंने आपको बताया भी कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारा फिजियोथेरेपी आपको बताया हुआ है आप वहां पे जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो उसको शेयर भी करिएगा और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये भी पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा तो इसको जो भी आपके रिटायर्ड लोगों के ग्रुप हैं जो ओल्ड एज लोगों के ग्रुप हैं उसको जरूर शेयर करिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग मैं मैं मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं होने के बाद भी मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के इतना मैंने अपना एनर्जी लगा के आ, मैं समझिए कि आज ये कंटेंट बनाने के लिए लगभग मैंने भी आधा एक घंटा थोड़ा सा रिसर्च किया मेरा कम से कम दो घंटा लगा है एग गं, एग एक घंटे का कंटेंट बनाने के लिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ

दस लाख लोगों के घुटने बचाना चाहता हूँ बिना सर्जरी किए पेशेंट जो अपना जीवन एक अच्छा जीवन जी सके क्योंकि सब लोग उतना सक्षम नहीं है जी घुटना घुटना बदलने के लिए और दूसरा भी 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 कि सक्षम की भी बात नहीं है रिप्लेसमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर चीज का उपाय नहीं है तो एक एक्सरसाइज लेकिन मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूं जो आप कोई भी स्टेज में क्योंकि आपके स्टेज पे भी डिपेंड करता है एक्सरसाइज की आपकी तकलीफ कितने में है किस स्टेज में है वो कर सकता है वो सिंपल एक्सरसाइज है सब लोग करें और इस इससे बहुत बेनिफिट होगा आप बिछावन पे लेट जाइए मुंह ऊपर करके लेट जाइए जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा करिएगा और इसको सचमुच करिएगा ये आपको बेनिफिट करेगा अगर आपको बेनिफिट करेगा तो आप हमारे फेसबुक पे चाहे हमारे यूट्यूब पे आके जरूर एक बार कमेंट करिए कि डॉक्टर साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं हमको इससे प्रोत्साहन मिलेगा अच्छा लगेगा मुझे भी बिछावन पे लेट जाइए सीधे सीधे बिछावन पे लेट गए मुंह ऊपर सीधे लेट गए हैं और दोनों पैर को आप थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए और जैसे हवा में साइकिल चलाना समझिए एक पैर को नीचे मोड़ना है सीधा करना है मोड़ना है सीधा करना आराम से प्यार से ऐसा नहीं खूब जब जबरदस्ती नहीं जल्दी जल्दी नहीं करी आराम से करी आराम से करी ये एक्सरसाइज भी सब लोगों के लिए आसान नहीं होगा बहुत सारे लोगों को तो केवल पैर उठाने में ही हालत खराब हो जाएगी लेकिन आप केवल पैर भी उठाते हैं हवा में और ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा आप इसको करके देखिए और अगर आप पैर जैसे जैसे साइकिल चलाने में मोड़ते हैं सीधा करते हैं मोड़ते हैं सीधा करते हैं वैसे चलाइए ऐसा आप तीस सेकंड से शुरू से करिए आधा मिनट से फिर आधा मिनट से एक मिनट एक मिनट से डेढ़ मिनट पहले दिन आप आधा मिनट ही करिए अगर आपसे मुड़ता सीधा नहीं होता तो केवल आप उठा के थोड़ा देर रखिए जितना उठता है उतना उठा के रखिए फिर इसको चलाइए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए एक्सरसाइज आप पांच मिनट सवेरे और पांच मिनट शाम को सोने के पहले आप ये करें ना मैं आपको दावा करता हूं छ महीना आप करके देखिए रिलीजियसली रिलीजियसली करना है जैसे भगवान का हम लोग पूजा जितना श्रद्धा और विश्वास से करते हैं ना देखिए दुनिया में ऐसा मानना है कि विश्वास और श्रद्धा से बढ़कर कोई चीज नहीं है पूरा साइंस विश्वास और श्रद्धा के आगे फेल है मानो तो देव नहीं तो पत्थर आपको अगर आप अगर हमारी बातें मानने वाले हैं तो आपको मुझ में भगवान का रूप लगेगा कि डॉक्टर साहब ही नहीं नहीं है 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 ये ये भगवान है। और और तो 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 फिर आपको लगेगा कि तो बकवास क्या कर रहे हैं। तो मानने की बात है। और आप इस चीज को मानिए और मानना से भी नहीं होता है एक चीज और भी मैं बोलता हूँ केवल मानने से नहीं मानने के बाद इसको इस पर कर्म करिए आप हो सकता है कि मान ले हाँ हाँ नहीं बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया लेकिन आप करेंगे नहीं कभी कोई फायदा नहीं होगा आप करके देखिए छह महीना करिए और जो अभी तक मैं अभी 50 परसेंट चीजें आपको बताया हूं इसको करके देखिए आपकी तकलीफ 50 परसेंट कम ना हो गई बिना मेडिसिन वगैरह के तो मुझे बताइएगा ठीक है ना अब छठा चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका वजन और घुटने का दर्द वजन और घुटने का दर्द का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है एक्चुअली ये बीमारी ही जैसे मैंने शुरू में बताया कि वियर एंड पियर से हो रहा है घिस घिस रहा है जोड़ पड़ने से ये तकलीफ हुई है तो जितना ही जोड़ पड़ेगा उतना ही जल्दी खराब होगा वजन ज्यादा रहने से उतना ही ज्यादा जोड़ पड़ेगा उतना ही जोड़ पड़ेगा तो जो तकलीफ लोगों को साठ बरस बरस के उम्र में होती है आपको जल्दी ही हो जाएगा तो वजन सही होना बहुत जरूरी है आप अपना हाइट के अनुसार वजन चेक करिए आप अपना बीएमआई निकालिए नेट पे जाइए बीएमआई क्या होता है समझिए आपका हाइट कितना है आपका वजन कितना है क्या आपका वेट आइडियल है कि नहीं अधिकतर समय हम हमारे देश में भले ही हम लो, लोग गरीब लोग हैं लेकिन 90% परसेंट लोगों का वजन ज्यादा है 90% परसेंट लोगों का वजन ज्यादा है और वजन केवल वजन और जब हम किसी मरीज को बोलते हैं ना कि वजन ज्यादा है मरीज लगता है दूसरे से कंपेयर करने अरे हमारा तो ये है सर हमारे से भी वो मोटी है उसको तो कुछ नहीं हो रहा अरे उसको नहीं हो रहा है तो तुम ये चीज छोड़ दीजिए आप अपने से देखिए हेल्थ आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कारण है और इसके कारण से लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते अरे वो उतना मोटी है तब भी उसको दिक्कत नहीं है अरे भाई सबका शरीर अलग अलग है सब एक दूसरे से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं आपका जो भी वजन है आप अगर घुटने में लंबा तकलीफ रहता है और आप अपना वजन एक परसेंट कम कर लें आप सत्तर हैं ना एक किलो वजन कम कर लें आपकी तकलीफ थर्टी टू फोर्टी परसेंट अपने आप ही ठीक हो जाएगी एक किलो वजन कम करना और वजन कम करना के बहुत सारे तरीके हैं और सिंपल तरीका है जी सिंपल तरीका है मोटा मोटी में कुछ चीजें देखिए वजन ऐसे नहीं हवा पी के किसी का भी नहीं बढ़ता है भारी नहीं हो जाता है कोई भी बहुत ज्यादा सर, सर हम तो कुछ खाते ही नहीं है बिना तो खाए नहीं तो हवा पी के आपका वजन बढ़ गया है और वजन को कम करने के लिए जो हमारा अपना खुद का अपना एक फॉर्मूला है कि दो ही चीज है एक हमारे अंदर कितना आ रहा है आ रहा है मीन्स कि हम क्या खा रहे हैं कितना खा रहे हैं और दूसरा चीज हमारे अंदर से कितना निकल रहा है बाहर यानी हम कितना मेहनत कर रहे हैं ये दोनों चीज का कितना लोग रहता है कि खाता कम है लेकिन उसका निकलता भी कम है मेहनत भी कम है तो उसका वजन उसका भी बढ़ेगा कितना लोग है कि खाता भी है मेहनत भी करता है वजन ठीक रहता है तो ये दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए एक्चुअली होता है क्या है ना कि जब आपको घुटने में तकलीफ हो गई ओल्ड एज हो गया तो आपसे मेहनत बहुत हो भी नहीं पाता है वो तो यहाँ पे खान खाने में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप इनपुट पे ध्यान दे देना तो आपका वजन बहुत कम हो सकता है हरा साग सब्जी फल वगैरह ज्यादा खाइए मरचा मसाला तेल घी मांस मछली ये सब बिल्कुल बचाइए सवेरे उठते उठते ही सवेरे उठते उठते ही जितना खाना है खा लीजिए बोलते भी हैं लोग कि ब्रेकफास्ट बिल्कुल राजा जैसा करिए लंच जो है एक मिडिल क्लास आदमी के जैसा करिए और डिनर बिल्कुल भिखारी जैसा करिए रात को खाना बिल्कुल बचाइए जिसे वो अच्छे कुमार का आप लोग को मालूम होगा वो बोलते हैं कि रात शाम मैंने एक बार किरण डूबने के बाद से सूर्य सूर्यास्त होने के बाद से खाना नहीं खाइए अगर बहुत भूख लगता है तो दूध पीजिए हरा साग सब्जी फल खीरा ककड़ी, सलाद ये सब खाइए बहुत शरीर हमारा नहीं मांगता है जी खाना। और एक, और भी, है कि का खाना कम और, एक और भी आदत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बहुत पुरानी कहावत है ये सिंपल सा चीज जल्दी सो जाइए जल्दी उठिए इससे भी वजन बहुत ये होता है ये है। बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज हैं जो जो अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो मैं और भी बताऊंगा लेकिन वजन कम करने से बहुत फायदा होता है है एक चीज और भी मैं आपको बता देना चाहता चाहता हूं जिसको जिस जो चाहता है कि बिना हम खान पान में कटौती किए बिना मेहनत किए वजन कम करें तो एक चीज की आप आदत डालिए बत्तीस बार खाना चबा के खाने का जो भी खाते हैं उसको बत्तीस बार चबा के खाइए ये सिंपल सा चीज है बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है देखिए आसान चीजें करना बता दिए आपको लग रहा होगा कि बहुत कि जो भी आप खाना खा रहे हैं ना 32 बार चबा के जब मुंह में 32 बार चबाना है तब उसको निकलना है ये सिंपल एक्सरसाइज करिए इससे और सचमुच आप करिए 100% आपका वजन कम नहीं हुआ तो आप बताइए लेकिन इसमें बहुत ही आत्मसंयम की जरूरत होती है जो सिंपल चीजें रहती है ना जो वो बहुत आसान भी नहीं रहती है लेकिन अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है तो ये सिंपल सा चीज है अगर आप करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होता है जी एक और चीज है दिन भर मोबाइल पे बैठ के कटर कटर नहीं करते रहिए ये भी वजन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है आज हमारा देश में एवरेज लोग चार से पांच घंटे मोबाइल पे बैठे हुए हैं जाम हो जाता है जी शरीर जाम हो जाता है बचिए इससे मोबाइल से जितना दूर रहिएगा हम तो अपना चीज आपको खुद मोबाइल पे ही आप सुन रहे होंगे लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इससे बचिए छोटा छोटा जो भी आप खाते हैं ना छोटा छोटा बार बार खाइए छोटा छोटा बार बार जितना खाते हैं कितना बार बोलते हैं यार सर हम बहुत कम खाते हैं दो टाइम खाने वाले का वजन हमेशा ज्यादा रहता है उसी को उतना ही खाना चाहे हम तो बोलते हैं उससे भी ज्यादा आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाइए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वजन कम करने में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक डाइट और एक्सरसाइज जो मैंने बोला इनपुट और आउटपुट और इसमें डाइट आपके खुराक 80 परसेंट जवाबदार है 20 परसेंट ही एक्सरसाइज का महत्व तो है लेकिन एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज मैंने उसमें बताया कि एरोबिक एक्सरसाइजेस है और देखिए वजन से केवल आपके घुटने में ही तकलीफ नहीं होती बहुत सारा चीजों का में तकलीफ होती है जी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वजन कम करिए वजन एक चीज ऐसा है जो कम करिए मैंने आपको अभी तक चीजें बता दिया और नेक्स्ट इसमें मैं सातवां चीज बताने वाला हूँ कि आपकी बीमारी क्या है इसके लक्षण क्या है इसका इलाज क्या है कौन सी दर्द की दवाई लेना क्या कसरत करना और वजन कैसे कम होगा तो वजन पे बहुत फोकस करना है आपका वजन कितना है अपने हाइट के अनुसार अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए नेट पे देखिए बीएमआई क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स और आपका कितना बीएमआई है क्या आपका वजन ज्यादा है और ये ज्यादा है ये कॉन्शियसनेस रहने से ही आप कुछ ना कुछ करने लगेंगे और जितना चीजें मैंने बताया अगर सचमुच आप इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आपकी तकलीफ बहुत कम हो गई अभी मैंने जो चीजें आपको अभी तक बताई ना इसकी कीमत क्या है ना आप इसको पैसे से नहीं गिन सकते हैं और अभी आगे मैं और चार चीजें बताने जा रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो रहा है लगभग हम लोग अभी एक घंटा पूरा हो चुका है लगभग पूरा होने जा रहा है थैंक यू छह चीजें मैंने अभी तक बता चुका सातवां चीजें कि मैं जो चीज़ें जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा वो है कि अपने जीवन शैली में बदलाव कुछ ऐसे चीजें जो आज तक आप करते आ रहे हैं और जिस तरह से करते आ रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें जो आज तक आपने नहीं किया है उसको आपको अपनाना पड़ेगा कुछ आपको जीवन शैली में आपके रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा और ये बदलाव आपके घुटने की तकलीफ के लिए एक तरह से कहिए तो राम बाण जैसा काम करेगा अगर सचमुच अगर आप रामबाण में विश्वास करते हैं तो शायद रामबाण यही है कि आप अपने जीवन की जो जैसे क्योंकि ऐसे चली का आदमी का मानसिकता हो गया है ना कि हम जिंदगी भर ऐसे किए हैं तो वैसे ही करेंगे ऐसा नहीं है चीजें बदलती भी है पूरा दुनिया चेंज है जो आदमी चेंज अपने आप को नहीं करेगा ना जो आदमी बदल नहीं सकता है वो मरेगा दुनिया का एक ही अटूट सत्य है वो है बदलाव और बदलाव क्या करना है अपने जीवन शैली में आप कैसे आप अपने रोजमर्रा के कार्य करते हैं इस चीजें बदलना पड़ेगा दो चीजें का बिल्कुल खास ध्यान देना है एक नीचे बैठना उठना बचाना मैंने पहले भी बताया है और सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना नीचे बैठना उठना बचाना तो बहुत बार मरीज पूछता है कि सर नीचे नहीं बैठेंगे ठीक है सर आपकी बात आपकी बात बात हमने मान सुनेंगे हम बाथरूम कैसे करेंगे सर हम टॉयलेट कैसे करेंगे हम नहाएंगे कैसे घर में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ कोई नहीं है कोई केयर टेकर नहीं है उनको अपना पोछा भी लगाना पड़ता है उसको झाड़ू भी लगाना पड़ता है किचन में काम तो हम कैसे करेंगे बहुत सारा काम है जो नीचे बैठ के ही करना पड़ता है नीचे बैठना उठना बंद और सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद और ये क्यों करना है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया क्योंकि इससे घुटने पे बहुत जोर पड़ता है और जो चीज पहले से ही ऑस्टिथराइटिस में डैमेज है वो और खराब होगा तो उसको बचाने के लिए दो चीजें बचाना है तो ये बचाना है ये तो बता दिए लेकिन आप तो हमको बताए थे कि आप हमको हर चीज करना है तो बात सही हमने बताया है। हम आपको कोई भी चीज का मना नहीं कर रहे हैं आपको हर काम करना है आपको जाना है काम काम करना है। आपको घर का काम करना है। बिना काम का बिना किए किसी चलने वाला नहीं है किसी का गुजर नहीं होने वाला है हम लोग इतना डॉक्टर हैं इतना पैसा कमाते हैं एक दिन हम भी नहीं काम करें तो मैडम हमारे को नहीं छोड़ेंगे जस्ट जोकिंग लेकिन एक्चुअली देखिए आप बिना काम किए किसी का और आप हमारे पास क्यों हुँ? हमारी बातें सुन रहे हैं आप भी यही चाह रहे हैं कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो हम आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं हम आप चाहते हैं कि आप किसी पे किसी पे बोझ ना रहे आप अपना हर चीज खुद से करें लेकिन करने का तरीका हम बदल बदलेंगे करना सब कुछ है आपको खाना भी बनाना है आपको बर्तन भी धोना है आपको कपड़ा भी धोना है आपको नहाना धोना भी खुद से जाना है आपको बाथरूम भी करना है लेकिन नीचे बैठना उठना सीढ़ी चढ़ना उतरना दो चीज बचाना है तो नीचे नहीं बैठेंगे तो पैखाना पेशाब कैसे करेंगे तो उसके लिए पैखाना के लिए कमोड यूज करिए या अंग्रेजी पैखाना बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो या कुर्सी चाहे स्टूल कटवा लीजिए आप कितना लोगों के घर में नहीं है अंग्रेजी पैखाना तो आप कुर्सी या कटू स्टूल कटवा दीजिए प्लास्टिक का एक स्टूल खरीद के लाइए डेढ़ सौ रुपया चूल्हा पे रख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपको नहाना है तो आप मछिया पे बैठ के मछिया जो थोड़ा सा ऊंचा एक बैठने का जगह रहता है या कुर्सी पे बैठ के प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के आप नहा सकते हैं ठीक है ना आपको नीचे बैठना उठना नहीं करना है लेकिन कभी कभी ऐसा जो इंडियन माहौल रहता है बहुत बार ऐसा रहता है कि आपको कुर्सी नहीं मिलेगा आपको नीचे बैठना होगा तो बैठना भी है तो कैसे बैठना है तो पूरा घुटना मोड़ के नहीं बैठना बैठना है तो घुटना पसार के बैठना है इसी तरह से बैठ के आप कपड़ा भी धो सकते हैं कोई मछिया उछिया में बैठ के पैर पसार के आप कपड़ा भी धो सकते हैं उसी तरह से आप बर्तन भी धो सकते हैं उसी तरह से आप नहा भी सकते हैं अगर आपके पास स्टूल चाहे प्लास्टिक का कुर्सी नहीं है तो आप इसी तरह से बैठ के अगर आप स्लैब नहीं है चाहे खड़ा होने में आपको दिक्कत हो रहा है खाना भी बना सकते हैं नीचे बैठ के अगर लेकिन नीचे बैठ के कोशिश नहीं करना है अगर खाना बनाना भी है तो आप एक स्टूल चाहे ऊंचा थोड़ा सा एक कुर्सी बना के और उस पर बैठ के पैर लटका के बैठ के आप खाना भी बना सकते हैं सब काम करना है जी मैं काम करने से मना नहीं करता काम करना है लेकिन काम कैसे करना है ये समझना है सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना कितना लोग को आदत रहता है फालतू का नीचे जाएगा ऊपर आएगा ये सब नहीं करना है बचाना है ऊपर रहते हैं तो ऊपर रहिए नीचे रहते हैं तो नीचे रहिए बार बार ऊपर नीचे नहीं इमरजेंसी में कितना बार चढ़ना पड़ता है सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है तो हमेशा एक एक सीढ़ी चढ़ना है रेलिंग पकड़ के चढ़ना है तकलीफ अगर आपको ज्यादा है जैसे अगर आपको तकलीफ चढ़ने के वक्त हमेशा ध्यान देना है चढ़ने के वक्त क्या करना है कि जो जो अच्छा पैर है ना उसको उठाना है उसको आगे करना है चढ़ने के वक्त और उतरने के वक्त क्या करना है उतरने के वक्त जो जो अच्छा जो खराब पैर है ना उसको आगे करना है चढ़ने के वक्त चढ़ने के वक्त कैसे करना है तो इस चीज को थोड़ा सा छोटे छोटे चीजें हैं इस सब चीजों का ध्यान देने से ना इतना ही छोटे छोटे चीजों का ध्यान देने से जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं आपकी जीवन इतनी बदल जाएगी ना कि आप दूसरे पे आपका निर्भरता खत्म हो जाएगा और आठवां जो चीज है कि वॉकिंग एड कितना लोग नहीं चल पाते हैं खड़ा भी नहीं हो पाते हैं उनको वॉकर आप लेके दीजिए कितना लोग को उतना तकलीफ नहीं है लेकिन चल ज्यादा दूर नहीं चल सकते हैं वॉकिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बताते हैं वॉकिंग करिए वॉकिंग बहुत जरूरी है वॉकिंग फायदेमंद है घुटने के लिए ठीक है हार्ट के लिए ठीक है ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक है लेकिन वो नहीं कर सकते वो आप एक छड़ी लेके चलिए ना आपको जिस घुटने में तकलीफ है उसके दूसरे हाथ में आप छड़ी लेके चलिए आप कितना भी घुटने में तकलीफ है आपके घुटने में चाहे कम ही तकलीफ है आपके घुटने में कम जोड़ पड़ेगा जो घुटना आपका पांच साल चलने वाला था वो सात साल चलेगा एक्चुअली एक, एक चीज मैं बताता हूँ कि हमेशा मैं बताता हूँ देखिए हमारा शरीर नश्वर है सबको मरना है एक दिन आपको मरना है मुझे भी मरना है लेकिन अच्छा ये है ना कि हमारा घुटना ऐसा नहीं होगी घुटना हमारा बूढ़ा हो जाए और हम जवान रहें घुटना डैमेज ना तो इसका मतलब कि सब डैमेज आपका कितना भी अच्छा शरीर है आपका घुटना खराब हो गया ना खत्म हो गया खेल एक तरह से समझिए कि गाड़ी का चक्का आपका खराब हो गया कितना भी अच्छा इंजन है कोई फर्क नहीं पड़ता धीरे धीरे वो इंजन में जंग लग जाएगी गाड़ी चलेगी नहीं तो तो घुटना आपका अच्छा रहना चाहिए एक्चुअली आप जितना दिन जीने वाले हैं ना उतना दिन आपका घुटना अगर स्वस्थ रहा ना तो आप एक जिंदगी जिएंगे आप दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे दूसरे के ऊपर बोझ नहीं होंगे कोई आपके घर में ये नहीं बोलेगा मैंने ऐसा नहीं है सब मैं थोड़ा सा ये चीजें बो, बोल देता हूँ लेकिन ऐसे मैंने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घुटने जवान होने चाहिए और घुटना उतना जवान जितना आपका शरीर जवान है कोई भी एक दिन आप भी मरेंगे उस दिन घुटना भी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जवान हैं आप अभी जी सकते हैं और आपका घुटना खत्म हो गया उस दिन आदमी खुद बोलने लगता है कि जरा हम क्यों जी जी रहे हैं और वो चीजें मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी मेरे बुजुर्ग के साथ किसी भी मेरे मुझे वो अच्छा नहीं लगता और ये चीजें मैं बता रहा हूं ना कि कोई डॉक्टर दवाई देके कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके ये आपका दूर नहीं कर सकता ये आपको अपना पुरुषार्थ लेना पड़ेगा आपको अपना उसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और आप जवाबदारी लेंगे तो ये पॉसिबल है काम सब करना है लेकिन कैसे करना है ये समझना है और अपना हाथ जगन्नाथ आप सही है ना तो सब सही है जी आपका शरीर एक बार खराब हो गया ना आपका गाड़ी का चक्का एक बार खराब हो गया ना, सब डैमेज हो जाएगा। तो वॉकिंग एड के बारे में कि कब, ले कब, ले कब वॉकर लेके चलना है कौन सा ब्रेस बांधना है पट्टी लगाना है कि नहीं इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग का एक अपना कोर्स है जिसमें हम बताते हैं जिसमें हम छह हफ्ते जो भी हमारा कोर्स ज्वाइन करता है उनके साथ हम रहते हैं और ये ऑनलाइन ही कोर्स है आप अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हैं एक एक चीज आप किस स्टेज में है आपको क्या चीज की जरूरत है आपको कैसे एक्सरसाइज करना है उसका वीडियो हम लोग पर्सनल कुछ वीडियो भेजते हैं केवल यूट्यूब वाला वीडियो नहीं कुछ अलग से भी कुछ उसमें वीडियो है और पर्सनली मैं उसमें ध्यान भी देता हूँ कि आपके लिए क्या जरूरत है ताकि आप दूसरे पे निर्भर ना रहे आप अपने पे खड़ा हो पाए ये आठ चीज बता दिया नोवा चीज की नी रिप्लेसमेंट अवॉइडेंस मॉड्यूल एक्चुअली मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इलाज इसका दो ही है या या तो बचाना या बदलना बदलना भुटना बदलना भुटना बदलना घुटना घुटना इसी को रिप्लेसमेंट बोलते हैं तो बहुत लोगों को आपको मालूम होगा सुने भी होंगे चाहे आप में भी में भी भी विषय से बहुत लोगों को ऐसा होगा कि जिसको घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने बता दिया होगा कि नहीं अब घुटना बदलना पड़ेगा घुटना बदलना ही इसका लास्ट उपाय है तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि घुटना बदलना जिसको तकलीफ है और जिसके पॉकेट में पैसा है जो रोजमर्रा के कार्य अपने खुद से कर नहीं सकता है बिना दर्द की दवाई का उसका काम चलता ही नहीं है तो वो आदमी है जिसको ऑपरेशन की जरूरत है जिसको ऑपरेशन करना पड़ता है लेकिन ये घुटना बदलना एक रिलेटिव इंडिकेशन है एब्सोल्यूट नहीं कि बदलना ही बदलना पड़ता है और दूसरा एक और भी चीज है ना कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंटर जहां घुटना बदला जाता है हमारे देश में सबसे बेहतरीन सेंटर नहीं है ये चीज आप जान लीजिए वहां का ये डाटा है कि सौ आदमी का घुटना बदला जाता है तो दस से पंद्रह लोगों को मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं मेजर कॉम्प्लिकेशन का मतलब ऐसा कि या तो उसकी तकलीफ पहले से भी बढ़ गई या उसको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा या उसमें घाव हो गया सौ आदमी में से दस से पंद्रह परसेंट लोगों को ये तकलीफ होना मैंने जैसे उसमें मैंने शुरू में ही अपने पॉडकास्ट में आपको बताया मिस्टर राम और मिस्टर श्याम कि आपका शरीर भी चिड़ जाए पैसा भी लग जाए लाखों का और कष्ट भी उसी तरह से है तो एक चीज समझना है कि रिप्लेसमेंट अल्टीमेट चीज नहीं है और एक तीसरा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा अपना खुद का डाटा नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं बताने के लिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा आप लोगों से कोई रिलेशन नहीं है जी और मैं ऐसा नहीं हूं कि कुछ अपना चीज मैं तो चीजें एक तरह से देखा जाए तो एक गुड इंटेंशन से सोसाइटी को हेल्प करने क्योंकि जो मुझे नॉलेज है जो अपना अपने इतना दिन का मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो नॉलेज है जो जो मैंने लोगों लोगों का घुटने का का घुटने घुटने के दर्द के दर्द इलाज जो किया है उसका जो अनुभव है उस बेसिस पे ये सब चीजें बोल रहा हूँ कि वन थर्ड पेशेंट जिनका घुटना बदला जाता है और जो अभी तक का मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो मेरी अपनी नॉलेज है मैंने जो किताब पढ़ा है जो लिटरेचर पढ़ा है उसके अनुसार वन थर्ड पेशेंट जिनका घुटना बदला जाता है उसमें सौ आदमी में से तीस आदमी तीस तैंतीस आदमी को ऐसे आदमी का घुटना बदला जाता है जिसको जरूरत ही नहीं था जरूरत ही नहीं था आप समझ सकते हैं इनफेक्ट एक तो पहला चीज समझना कि घुटना बदलना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया का डॉक्टर गारंटेड सकता है कि घुटना बदल देने के बाद से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता है अगर कोई दे रहा है हंड्रेड तो परसेंट गलत बोल रहा है और ये अनएथिकल बोल रहा है ये सही नहीं है ऐसा कोई बोल, बोलता भी नहीं है लेकिन अगर कोई बोल रहा है कोई मैंने भी सुना है कहीं कहीं, कहीं, कहीं कि ऐसा लोग करते हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं लेकिन हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे अगर आपको किसी ने घुटना बदलने को बता भी दिया है तो आप घुटना बदलना बच सकता है कैसे वो वॉकिंग एड का कौन कौन सा चीज आप यूज करेंगे वेट मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी से और कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ये हमारा सबसे प्रीमियम माने जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने बहुत ही थोड़ा सा डीप में नहीं बताया छोटा में ही बताया लेकिन ये बहुत हमारा काम का चीज है और ये नॉलेज आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा जो मैंने आज आपको बताया जो आप हो सकता है कि बहुत सारे हमारे साथ जो ये पॉडकास्ट सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक नहीं भी तो दस से पंद्रह डॉक्टर बदल चुके होंगे और अभी तक तीस से चालीस बार पचास बार भी लोग मिले हैं हमसे कि जो डॉक्टर को मिल चुके हैं माने एक ही डॉक्टर से तीन बार चार बार फिर डॉक्टर बदले फिर तीन चार बार पचास बार के कंसल्टेशन के बाद भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि जितना चीजें मैंने आपको आपको अभी तक बता आज तक बता आज कभी मिला था नहीं मिला होगा मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इतना चीजें नहीं मिला होगा और किसी को मिला भी होगा किसी ने कोई जागरूक होगा तो कुछ मिला भी होगा तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज मिला होगा लास्ट चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो हीलिंग माइंड एक्चुअली सब दिमाग से कंट्रोल होता है जी सब अपने मन दिमाग से ही कंट्रोल होता है अगर मानो तो जीत नहीं तो हार एक ऐसा है ना कि सब दिमाग से कंट्रोल होने वाला चीज है अगर आपको लगता है ना कि जो मैं बताया इससे राहत होगा तो सचमुच राहत आपको होगा अगर आपको इतना सुनने के बाद से भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं तो बकवास है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका ठीक नहीं होगा आपको मेरी मेरी बातें आप करेंगे भी नहीं आप जो हम बताए ना वो करेंगे ही नहीं अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो और इस क्योंकि इसमें माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंस है आप अधिकतर बीमारियां डॉक्टर के पास जाके केवल दवाई से नहीं ठीक होती वो विश्वास से ठीक होती है और अभी तक आपको मेरी अगर बातों में विश्वास है ना तो मैं आपको ये बिल्कुल गारंटेड है कि अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करेंगे ना तो आपको रिलीफ भी होगा लेकिन अगर अभी तक इतना बात सुनने के बाद से भी अगर आपको लग रहा है ना कि आपको आराम नहीं होगा तो ये पक्का है कि आपको आराम नहीं होगा ये बिल्कुल पक्का है इसमें कहीं कहीं डाउट नहीं है क्योंकि आपका मन जो है ना बहुत पावरफुल है और वो बिल्कुल सही बात बोलता है वो सही बात बोलता है लेकिन हम लोग एक उसमें हमारा एक अलग से एक कोर्स है कि अगर आप निगेटिव धारणा के भी हैं तो हम कैसे आपके धारणा को निगेटिव से पॉजिटिव बनाए ये माइंड सेट को हम कैसे चेंज करें इसका भी हम लोग बताते हैं अपने मॉड्यूल्स में और ये पूरे जो दस स्टेप जो हमने अभी पूरा एक से लेकर दस तक आपको बताया पहला स्टेट की बीमारी क्या है इसके क्या लक्षण है दूसरा तीसरा इसमें इलाज क्या है तो बदलना या बचाना चौथा की दर्द की दवाइया कौन सा लेना कब लेना कितना लेना लेना कि नहीं लेना पांचवा की कसरत कौन सा करना कसरत से क्या फायदा होता है छठा की वजन का क्या इंपॉर्टेंस है क्या खाना क्या नहीं खाना कैसे खाना सातवां की जीवन शैली में क्या बदलाव करना आठवां की चलने के लिए वॉकिंग एड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कैसे यूज करें की कैसे हम घुटना अगर बदलने के लिए कोई डॉक्टर बता दिया है तो उसको कैसे हम बच सकते हैं बिना घुटना बदले हम कैसे इक्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं कैसे हम एक ऐसे स्थिति जिसमें हम दर्द से करा रहे थे कैसे स्थिति में पहुंच जाए जहां हम पेन फ्री हैं हम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है हम एक ऐसे स्टेज जिसमें हम अभी तक अपने परिवार पे एक बोज जैसे बोझ जैसे बोझ तो नहीं रहता लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आश्रित हो गए हैं उससे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां पे हम अपने परिवार के लिए एक एसेट बन जाए हम उनके लिए एक 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 ज्वेल बन जाए उनके लिए एक वेल्थ बन जाए हम उनको कुछ मदद करने लगे आज तक आप अपने बेटी को अपने अपने पतो के लिए से हेल्प मांग रहे थे आप उस स्टेज में पहुंच जाए कि आप उसको हेल्प कर सकें वहां तक पहुंचाने की एक जर्नी जो मैंने बताई जिसमें लास्ट में मैंने माइंडसेट की बात की ये सचमुच एक कारगर है और वही हम अपने एक कोर्स है जिसमें हम बताते है। Actually, ये ये हैं एक्चुअली ये चीजें ये ऑनलाइन चीजें अगर आप देखे होंगे कि ये सब चीजें शुरू हुई लॉकडाउन के बाद से मैंने मैंने जो करना है कि मैं मैं एक बिहार के एक छोटे से जगह में सिवान में मैं काम करता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने बहुत अच्छा किया है जी तेरह चौदह साल में एक बहुत अच्छा एज ए डॉक्टर एज ए हॉस्पिटल मेरा दो हॉस्पिटल है एक गोपालगंज में है एक सिवान में है मेरा एक खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है हम 150 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं अभी हम एक लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जिनको किसी तरह डायरेक्ट मैंने डायरेक्टली जो हमारे से हमारे पे रोल पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और मैं भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूं मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता कोई डॉक्टर थे मैंने खुद ये सब चीजें खुद ही अपना एम्पायर शुरू किया और जितना मैंने पंद्रह साल में जो अचीव किया है बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए एक सपना रहता है लेकिन मैं हमेशा ही अच्छा बेहतर करने के ये रहता था, थैंक्स टू तो कोरोना जब कोरोना हुआ तो इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला एक तो पहला चीज से टाइम मिला तो ये सब चीजें बहुत कुछ जाना कि पॉडकास्ट करना यूट्यूब पे वीडियो कैसे करना ऑनलाइन कोर्स बनाना कि हम क्या कोई ऐसा चीज कर सकते हैं क्या डिजिटली प्रोडक्ट दे सके और यहाँ पे पहले मुझे लगता था कि ना कि मोबाइल से नेट से डिजिटल से हम किसी मरीज का कोई भला नहीं कर सकते हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान मुझे पता चला कि जब लॉकडाउन हो गया तो कोई मरीज इधर उधर से नहीं जाता था और उस वक्त हुआ क्या कि हम लोग बहुत सारे मरीज को व्हाट्सएप से फोन से एडवाइस देते थे और वो मरीज अच्छे भी हुए खासकर करके घुटने वाले तो मुझे ये विश्वास हो गया कि इस चीज को हम ऑनलाइन कर सकते हैं और एक्चुअली मेरा मन में एक हमेशा एक कशिश रहता है मैंने एक छोटे जगह पे काम शुरू किया और बहुत अच्छा किया कि मैं एक छोटे जगह पे मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा इतना अच्छे जगह से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अब मेडिकल महात्मा अब मेडिकल वर्धा से। और बहुत ही अच्छा मेडिकल बहुत अच्छा ग्रो किया जी जैसा मैंने ग्रो किया मुझे लगता है कि मैं दुनिया किसी दूसरे कोने में रहता तो उतना नहीं ग्रो कर पाता लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं एक बड़ा शहर में रहता तो और बड़ा नाम होता बहुत लोगों तक पहुंच पाता अभी मैं तीन चार डिस्ट्रिक्ट में लोग मुझे जानते हैं हो सकता था कि अगर मैं दिल्ली वही में रहता हो सकता है इतना दिन में नहीं। कोई दिन कुछ में पूरा पूरा इंडिया के लोग मुझे जानते और ये कशिश मन में हमेशा रहती थी और मुझे लगता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि शायद इससे मैं पूरे दुनिया के और कैस करके भारत के तो जो हिंदी भाषी लोग हैं और बाद में इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में भी करने का वहां तक अपना सोल्यूशन पहुंचा सकता हूँ और वहां तक अपना इम्पैक्ट दे सकता हूँ क्योंकि मेन बात है इम्पैक्ट आप कितने लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव करते हैं और इसी के लिए हम ये सेव द नी कैंपेन भी शुरू किए और मुझे आशा है कि आपको भी ये चीज़ अच्छा लगा होगा आप भी हमारे इस कैंपेन से जुड़िए हमारे इस मिशन से जुड़िए और वो तमाम लोग जिनको इस तरह से घुटने की तकलीफ रहती है पॉडकास्ट में रहते हैं उनके पास ये हमारा पॉडकास्ट को जरूर भेजिए मुझे आशा है कि इससे एक बदलाव होगा कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़्यादा डीप तक बहुत लोगों तक पहुँचेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिटायर्ड फ्रेंड्स के ग्रुप में जो ओल्ड एज वाला ग्रुप है उन लोगों में या कोई अगर आप यंग ही हैं कोई आपको लगता है कि कोई ओल्ड एज का ये है तो उसमें शेयर करिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग अगर मैं आज डेढ़ घंटा दो घंटा मेहनत करके इतना एक पॉडकास्ट बना सकता हूँ तो आप भी ये जरूर कर सकते हैं थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर Think healthy, be healthy.